हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये हमारा अमेजिंग ग्लास मॉर्फिज्म लॉगिन फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा गाइस। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है और साथ में जो हमारी CSS वाली फाइल है उसको लिंक कर रखा है। तो गाइज ये हमारी CSS वाली फाइल है, ये हमारी HTML की फाइल है। इसके बाद में हमने जो फॉन्ट ऑसम का CDN है उसको भी इंक्लूड कर रखा है। तो गाइज ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि ईजिली आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सको। तो चलिए करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है और उस डिव की क्लास सेट कर देनी है हमें यहाँ पे लॉगिन। और इस डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, देखिए आते हैं ब्राउजर पे। यहाँ हमें सबसे पहले एक इमेज लगानी है और एक हमारी हेडिंग लगानी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं हमारी इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर और नेम है उसका av1.png। इमेज के बाद हमें लगानी है हमारी हेडिंग। सो हेडिंग है हमारी वेलकम, इतना हमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए हमें क्रिएट करना है हमारा ये लॉगिन फॉर्म। सो चलिए ये फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं। एडिटर में आते हैं और यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज में लेते हैं, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर क्रिएट करते हैं एक लेबल। लेबल के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए एक आइकन और एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स, दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आइकन क्रिएट करते हैं हम आई टैग से और क्लास सेट कर देंगे आइकन की यहाँ पे फॉर डैश और यूजर वाला आइकन है तो यूजर लिख देते हैं। इसके बाद हमें इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं और प्लेस होल्डर सेट करते हैं। प्लेस होल्डर क्या काम आता है कि आपको उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू कौन सी शो करानी है, तो इसके अंदर हमें शो करा देना है एंटर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया, इसी को कर लेते हैं कॉपी और नीचे कर लेते हैं पेस्ट और कर लेते हैं इसका टेक्स्ट और आइकन चेंज। सो यहाँ पे हमने सेकंड लेबल भी क्रिएट कर लिया है। सेकंड लेबल के बाद में हमें क्या चाहिए, देखें हमें ये चेकबॉक्स क्रिएट करना है और एक बटन क्रिएट करना है। सो देखिए यहाँ पे हम चेकबॉक्स के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इसके आगे हम लिख देना है क्या हमारा जो मैसेज है, आई एग्री, ओके। यहाँ पे एक br टैग और लगा देते हैं और नीचे क्रिएट करते हैं हमारा बटन। बटन क्रिएट करते हैं बटन टैग से और वैल्यू सेट कर देंगे लॉगिन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फॉर्म हमारा क्रिएट कर लिया है। तो गाइज जितना भी HTML का वर्क था सारा हो चुका है। अब आते हैं हमारी CSS वाली फाइल पे। तो CSS में सबसे पहले हम करते हैं हमारे बॉडी को स्टाइल बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमें इमेज लगा देनी है और इमेज पड़ी है इमेजेस फोल्डर के अंदर, नेम है उसका gl2.jpg। उसकी साइज हमें कर देनी है कवर, फॉन्ट फैमिली हमें अप्लाई कर देनी है पॉपिंस। तो बॉडी टैग को स्टाइल कर लिया है, सेव करते हैं और हमारी HTML वाली फाइल को करते हैं कॉपी और नेक्स्ट टैब में कर लेते हैं इसको पेस्ट। तो ये देखिए इतना हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स मैसेज सब कुछ आ चुका है। अब इनको करना है हमें स्टाइल। तो CSS वाली फाइल में आते हैं और करते हैं इनको स्टाइल। सबसे पहले किसे स्टाइल करना है, तो जो हमारा लॉगिन वाली क्लास है ये जो हमारा डिव है सबसे पहले उसी को स्टाइल करते हैं। तो जिसकी क्लास हमने सेट करी है लॉगिन, सबसे पहले उसकी हमें विड्थ और हाइट सेट कर देनी 300 पिक्सल की और हाइट इसकी सेट कर देंगे यहाँ पे 340 पिक्सल की। नेक्स्ट हमें इसके अंदर सेट कर देनी है थोड़ी सी पैडिंग ताकि जो भी लेटर्स है वो चिपके हुए ना रहे। और इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर ताकि आपको दिखाई दे जाए कि ये कहाँ पे है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये बॉक्स आपका यहाँ पे आ चुका है। ये आपके बॉक्स के अंदर इसलिए दिखाई नहीं दे रहेगा इस क्योंकि जो इमेज है वो आपकी काफी बड़ी है। सो पहले हम इमेज को स्टाइल कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक सारे मैटर हमारे बॉक्स के अंदर शो होने लग जाएं। लॉगिन वाले डिव के अंदर जो आपकी इमेज है उसको हमें स्टाइल करना है। क्या स्टाइल करना है, देखिए सबसे पहले तो इसकी पोजीशन कर देंगे हम एब्सोल्यूट। हमें कहाँ पे चाहिए, टॉप से थोड़ा ऊपर चाहिए तो टॉप से इसको दे देंगे माइनस में 50 पिक्सल और लेफ्ट से दे देंगे इसको 100 पिक्सल का मार्जिन। साथ में इसकी वेट सेट करनी है हमें, वो कर देंगे
100 पिक्सल की, और जेड इंडेक्स ऐड कर देंगे इसमें 1 ताकि टॉप पे रहे। सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए आपकी टॉप पे ऊपर जा चुके हैं, आधी आपकी ऊपर है। अब ये जो हमारा बॉक्स है इसको हमें सेंटर में लेके आना है, तो चलिए लेके आते हैं। यहाँ पे हमें गाइस पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट ही रखनी है और इसको देना है टॉप से मार्जिन 50% का, और साथ में ही लेफ्ट से इसको मार्जिन ऐड कर देंगे हम 50%। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए आपका यहाँ का है, हमने टॉप और लेफ्ट से 50% दिया है, लेकिन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसके लिए हम ऐड करते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। अगर आप ऐसा लिख देते हो, सेव करते हो और करते हो रिफ्रेश, सो ये देखिए मैजिक ऑटोमेटिक आपका सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट हमें स्टाइल करना है हमारी ये हेडिंग को, जो आपका H1 टैग है उसका हमें देना है मार्जिन टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से ऑटो। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना सेट हो चुका है, सेंटर में नहीं है। तो क्या करना है, HTML वाली फाइल में आना है और इसी टैग के अंदर लिख देते हैं हम अलाइन सेंटर। सेव रिफ्रेश। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आपका आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें स्टाइल करना है हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स। सो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है ये देखिए, ये है आपका लेबल के अंदर। तो सबसे पहले हमें लेबल को स्टाइल करना है, हमें देना है पोजीशन रिलेटिव। लेबल के अंदर जो आपका आई टैग है उसको करते हैं स्टाइल, जो हमारा आइकन है उसकी पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट और लेफ्ट से दे देंगे उसको मार्जिन 0। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें स्टाइल करना है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो फॉर्म के अंदर जो आपका इनपुट फील्ड है जिसका टाइप है आपका टेक्स्ट, उसको करना है स्टाइल। पैडिंग ऐड करते हैं इसमें टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। विड्थ सेट कर देते हैं हम इसकी 100%। नेक्स्ट क्या करना है देखिए, नेक्स्ट हमें करना है इसकी बॉर्डर, वो कर देनी है हमें नन। जो आपके बॉटम में दिखाई दे रही है तो हमें बॉटम से बॉर्डर चाहिए। एडिटर में आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं देखिए बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। तो बॉटम से बॉर्डर आ चुकी है, मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे गाइस कि ये जो आपका आइकन है वो टॉप पे आ रहा है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका कुछ साइड में है। तो आइकन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, ये देखिए दोनों टेक्स्ट बॉक्स में ही आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। सो दोनों में हमें ये सेंटर में चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के। तो देखिए कैसे लेके आते हैं, एडिटर में आते हैं और आई टैग के अंदर हमें क्या करना है, जो पैडिंग आपने इसके अंदर अप्लाई करी थी टॉप से, सेम पैडिंग हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो पैडिंग ऐड कर देना है टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश। तो विड सेट कर देते हैं बटन की 50% और पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। कलर कर देंगे इसका वाइट और साथ में ही बॉर्डर इसकी कर देंगे नन और आउटलाइन भी कर देंगे इसकी नन। नेक्स्ट हमें ऐड करना है इसके अंदर बैकग्राउंड। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे इतना हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्रिएट करना है हमारा ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट, तो चलिए क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बॉर्डर है इसको रिमूव कर देना है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाई थी। अब नेक्स्ट क्या करना है देखिए, हमें लिखना है इसके अंदर बैकड्रॉप डैश फिल्टर कॉलन। अब हमें लिखना है ब्लर, और ब्लर आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 10 पिक्सल। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ गाइस, आते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे देखिए ये आपका जो कलर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड का, ये आपका क्या है, लाइट व्हाइट कलर है। सो ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे देखिए बैकग्राउंड RGBA में, और व्हाइट कलर का कोड होता है गाइस 255 255 और 255। हमें इसकी अल्फा वैल्यू सेट कर देनी है 0.2 ताकि एकदम आपका लाइट कलर हो जाए। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल को करते हैं गाइस रिफ्रेश।
यहाँ पे गाइज एक प्रॉब्लम आ रही है, जो बटन आपका काफी चिपका हुआ है, तो मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सो मार्जिन टॉप देते हैं 20 पिक्सल का, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। मैं यहाँ पे आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ गाइज, ये देखिए एकदम परफेक्टली हमें ये दिखाई दे रहा है।